अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। गलवान से भागे और पैंगोंग में पिटे चीन ने पिछले 8 दिन में तीसरी बार घुसपैठ की कोशिश की है और इस बार तो फायरिंग तक कर डाली, लेकिन वो ये हर बार भूल जाता है कि उसका सामना हिंदुस्तान के रणबांकुरों से है जो उसे धूल में मिलाने का दमखम रखते हैं। नतीजा इस बार भी चीन दुम दबाकर भागता दिखाई दिया। आठ दिन में तीन बार चीन को पटखनी, पैंगोंग में धोबी घाट से चित्त ड्रैगन, संभल जा ड्रैगन नहीं तो रौन देंगे। लगता है कि चीन अभी भी इस भुलावे में बैठा था कि ये भारत 1962 वाला है, लेकिन उसकी ये गलतफहमी 8 दिन में तीन बार पिटने के बाद दूर जरूर हो गई होगी, क्योंकि भारत ने करीब 2.5 महीने पहले पीएलए में सैनिकों की गर्दन तोड़ी थी और अब कमर तोड़ दी। पैंगोंग के पास उसे इतनी पटखनी दी कि वो घुसपैठ से पहले कई बार सोचेगा। दरअसल इस तीसरी घुसपैठ की कोशिश में चीनी सैनिक पहाड़ियों पर बैठे भारतीय जाबाजों को देखकर इतने हताश हो गए कि फायरिंग कर डाली। लेकिन इस बीच भारतीय जवानों ने बेहद संयम से काम किया और बिना गोली चलाए चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। इंडियन आर्मी के मुताबिक 7 सितंबर करीब 5:30 बजे पैंगोंग साउथ के रेजन लॉ इलाके में चीन के सैनिक आगे बढ़कर भारतीय इलाके में कब्जे की कोशिश कर रहे थे। वो भारतीय सेना की लोकेशन का काफी नजदीक आ चुके थे। भारतीय सेना ने उन्हें पीछे हटने को कहा। बहस बढ़ी और भारतीय सेना ने चेतावनी दी तो चीनी सैनिकों ने फायरिंग कर दी। इस इलाके में अभी तक कई सालों से इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, इस तरह की कोई भी टकराहट नहीं हुई है जिसमें कि फायरिंग की नौबत आई हो या वार्निंग फायर भी यहाँ पर की गई हो। यहाँ जब भी जवान आमने सामने आते हैं तो सिर्फ गुत्थम हाथ सिर्फ एक दूसरे को धक्का मुक्की होती है और उसके बाद आगे या पीछे वो चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। सूत्रों के मुताबिक इस झड़प के दरमियान एक दो नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद चीन के सैनिक अपनी लोकेशन पर लौट गए, लेकिन चीन की तरफ से इस हरकत पर कुछ और ही कहा गया। भारतीय जवानों पर फायरिंग का आरोप लगा दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना को लेकर तनाव बराबर बना हुआ है। ये मुमकिन है कि चाइना का ये प्रोपेगेंडा हो ताकि वो दुनिया को बताएं कि भारतीय सेना वो टेंशन बढ़ा रही है और जो भी कुछ वो करना चाहते हैं उसकी पहल का श्रेय वो भारत को देना चाहते हैं, ये चाइना का उद्देश्य हो सकता है। दरअसल चीन गलवान में मुंह की खाने के बाद से चिढ़ा बैठा है और करीब 8 दिन पहले पैंगोंग साउथ में जब भारतीय जवानों ने अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया तो चीन के सैनिकों के होश उड़ गए। चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने इसलिए चीनी सेना के मैदान छोड़ने से नाराजगी जताई है, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही चीनी सैनिक डैमेज कंट्रोल करने के लिए पैंगोंग के पास जा पहुंचे, जबकि वो भूल चुके थे कि पूरा इलाका भारत के कब्जे में है। जहां फ्रंटियर वॉरियर मुस्तैद बैठे थे, फिर क्या, चीन के सैनिकों को एक बार फिर से धूल चटा दी गई। जब से हिंदुस्तान ने पैंगोंग के साउथ में तमाम स्ट्रेटेजिक हेड्स को पकड़ा है, तब से चाइना की चिंताएं बहुत बहुत बढ़ गई है। गलवान के बाद ये उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस ऑफ फेस है। इसको निगाह में रखते हुए चाइना ने 29 अगस्त को, 31 अगस्त को और कल 7 सितंबर को तीन बड़ी कोशिश की हिंदुस्तानी ट्रुप्स को वहां से पिछाड़ने के लिए। पैंगोंग साउथ में ये वही इलाका है जहाँ 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया था। उस दिन ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रेजिंग लॉ हिस्से पर कब्जा किया गया था, जिसके बाद चीन लगातार उन इलाकों को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत तो अपनी जमीन पर ही बैठा है। इसका सीधा सा मतलब है कि चीन एलएसी के अंदर आया, ऐसे में इसने भारत चीन की संधि को तोड़ दिया है जो आज से 45 साल पुरानी थी, जिसमें ना तो एलएसी पार की जाएगी और ना ही गोली चलाई जाएगी। दोनों देशों की सीमा पर इससे पहले 45 साल पहले गोली चली थी,
20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में चीन ने असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त भी भारतीय जवानों ने संयम से काम लिया था, लेकिन अब संयम के साथ हर साजिश को नाकाम करने का पक्का इरादा है। जिसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, जो मौजूदा सरकार में है, तभी तो एलएसी पर चीन जितनी बार भी कोशिश करता है, उतनी बार उसे जहन्नुम का दीदार करा दिया जाता है। देखिए, कल 5:30 और 6:30 के बीच में चीन के पीएलए ट्रुप्स ने चीन पियाओ, एक जगह है चीन पाओ, उस माउंटेन टॉप को कैप्चर करने की कोशिश की और हिंदुस्तान आर्मी ने रिटेलिएट किया और वो चीन पीएलए ट्रुप्स को वापस भेज दिया। चीन बौखलाया हुआ है कि यदि इसी तरह हर एक माउंटेन टॉप हिंदुस्तान के ऑक्यूपेशन में रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। दरअसल भारतीय सेना ने अपने रूल ऑफ एंगेजमेंट में बदलाव किया है। सैनिकों को ऑर्डर मिला है कि आत्मरक्षा के लिए हथियार भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जवानों ने संयम और हिम्मत से काम लिया, जबकि चीन के जवान होश खो बैठे। लेकिन हमारे जवानों के सामने टिकने का जोश उनमें था ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।